What's up guys? स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूं आपका अपना अनिल। सबसे पहले आप सबसे सॉरी कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सिस्टम खराब होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अब से आपको रेगुलर एक या दो वीडियोस मिलते रहेंगे वीकली। तो आज हम सीखने वाले हैं व्रिंकल टूल को यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं इलस्ट्रेटर में। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है 1920x1080 हाइट में। तो फर्स्ट हम आर्टबोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे है रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट है एम। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं 1920x1080 हाइट और इसे हम ओके कर लेते हैं। तो ये डिफॉल्ट कलर्स में आ चुका है। अभी हम इसे अलाइन करते हैं आर्टबोर्ड से। तो यहाँ पे मैंने इसे सेंटर अलाइन कर लिया है। अलाइनमेंट यहाँ पे भी आपको नजर आएगा और यहाँ पे भी आपको पैनल्स में नजर आएगा। अगर आपके पैनल्स में नहीं हो या कमांड पैनल में नहीं हो तो आप विंडोज में जाके ये अलाइन जो है ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F7। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका कुछ कलर चेंज कर देंगे। स्ट्रोक फर्स्ट हम नन कर लेते हैं और फिल कलर रखते हैं हम रेड में 100 और ग्रीन में 215, ब्लू में भी 215। तो ये कुछ कलर कोड मैंने दिया हुआ है बैकग्राउंड को। और अब हम और लेयर में जाते हैं, इसे हम लॉक कर लेते हैं ताकि मैं इस पर कुछ भी क्रिएट करूँ तो ये मूव ना करे। तो फर्स्ट हम कलर को रिफ्रेश कर लेते हैं डी प्रेस करके, क्योंकि मैं अभी कुछ क्रिएट करूंगा तो वो कलर में आ जाएगा। तो मैं अभी इलिप्स क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे इलिप्स चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे सिलेक्ट करते हैं और ये है इलिप्स टूल। यहाँ पे इलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमें साइज चाहिए 50 pixels by 50 pixels का इलिप्स। यहाँ पे इसे ओके कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे इलिप्स आ चुका है। सिलेक्शन टूल से मैं आपको बता देता हूँ डी सिलेक्ट करके। इसे हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे स्विच करेंगे। यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं या शिफ्ट एक्स प्रेस करके भी हम कलर को स्विच कर सकते हैं। तो अभी इसका फील जो है वो नन करते हैं। यहाँ पे से भी नन कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क प्रेस करके भी आप नन कर सकते हैं। तो ये अभी हमने एलिप्स क्रिएट किया हुआ है, इसे सिलेक्ट करते हैं और हम स्ट्रोक में जाते हैं। ये एंगल स्ट्रोक है वो हमेशा ध्यान रखिए ये सेंटर अलाइन स्ट्रोक ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम बाद में कुछ इफेक्ट देने वाले हैं वो इफेक्ट वहाँ पर आ जाए। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट रखता हूँ। इफेक्ट में जाते हैं, डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अभी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हम 55 pixels से मूव करेंगे और कॉपीज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कॉपीज हमने क्रिएट किया है अराउंड 34। तो इसे हम ओके कर लेते हैं। फिर से हम इफेक्ट में जाते हैं, डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे पूछेगा एक ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई है तो आपको और एक इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे इसे अप्लाई न्यू इफेक्ट करते हैं और वर्टिकली यहाँ पे भी 55 pixels से मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी कॉपीज क्रिएट करेंगे। तो ये हमने 19 कॉपीज क्रिएट करी है। और अब हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपांड अपीयरेंस करते हैं। तो अभी ये सारे स्ट्रोक में ही रहेंगे। तो इसे सेंटर अलाइन करते हैं और अब हम व्रिंकल टूल इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ टूल है, विड्थ टूल के ऊपर क्लिक करते हैं आपको व्रिंकल टूल नजर आएगा। तो ये है व्रिंकल टूल, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फर्स्ट मैं ये ऑब्जेक्ट्स को डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं व्रिंकल टूल पे यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे हम। इंटेंसिटी रखेंगे 30% और हॉरिजॉन्टल रखेंगे हम 100%, वर्टिकली भी 100% ही रखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी 1 और डिटेल 2 रखेंगे। तो इसे हम ओके करते हैं। ब्रश का साइज फिलहाल छोटा है, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट हम शिफ्ट और हल्ट प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम ड्रैग ताकि ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो। तो ये बड़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं अगर इस पर अप्लाई करूँ देखिए क्या होता है। अभी मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसे व्रिंकल आपको नजर आएगा।
ये हमारा विंकल इफेक्ट को दे दिया मैंने। तो अब हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, यहाँ पे है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है V, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट और कंट्रोल सी प्रेस करके एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। एक कॉपी क्रिएट कर लिया मैंने और अब हम इफेक्ट में जाते हैं, ब्लर में गुशन ब्लर देते हैं, यहाँ पे जो रेडियस है वो हम 10 रखते हैं, इसे हम ओके करते हैं। ध्यान रखिए इसका स्ट्रोक रेट हमने 1 रखा था और अब हम जो कॉपी किया था उसे हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं ताकि ये कुछ ऐसा नजर आएगा। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका स्ट्रोक रेट रखते हैं 0.5 और ओके कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब हम रेक्टेंगल टूल से और एक सरफेस क्रिएट करेंगे इस इफेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सेम आर्टबोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे फील तो अभी है नहीं तो डी सिलेक्ट करता हूँ तो ये डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे से सेंटर अलाइन करते हैं आर्टबोर्ड से और अब हम इसे कलर देंगे ग्रेडियंट। यहाँ पे फर्स्ट हम इसका स्ट्रोक है नन कर लेते हैं, फील कलर सिलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट में जाते हैं। ग्रेडियंट में फिलहाल जो ग्रे टोन है वो वाला ग्रेडियंट दे देते हैं और इसे रेडियल कलर दे देते हैं, तो रेडियल ग्रेडियंट आ चुका है। तो हम ग्रेडियंट में जाके ग्रेडियंट टूल से इस ग्रेडियंट को सेट करेंगे, यहाँ पे सेट कर लिया मैंने और अब हम सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ग्रेडियंट के कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं ब्लैक को, RGB ब्लैक कर लेते हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं RGB 150 150 और 150 कर लेते हैं। तो ये कुछ कलर इफेक्ट मैंने लिया हुआ है और अब हम ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं और यहाँ पे ब्लेंड मोड नॉर्मल है तो इसे हम देते हैं ओवरले। तो ये ओवरले देते ही एक अलग सा इफेक्ट आपको नजर आएगा और फिर से हम इसी बैकग्राउंड को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके पेस्ट इन प्लेस कर लेते हैं। ये थोड़ा भी ढाका दिख रहा है पर मुझे ये इफेक्ट, मतलब ये मैंने सेम प्लेन कॉपी किया है इसलिए इफेक्ट दिख रहा है, हालांकि मैं इसे क्लिप मास्क करने वाला हूँ। सिलेक्ट ऑल किया मैंने, राइट क्लिक, मेक क्लिप मास्क, तो ये बैकग्राउंड आ चुका है ऐसा कुछ। अब हम इस पर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, इस पर टेक्स्ट देते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और एंटर बैकग्राउंड, तो ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है। सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अब हम इसे पैराग्राफ सेंटर अलाइन कर लेते हैं और आर्टबोर्ड से भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं और अब हम इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट रखेंगे हम ओपिंस पी ओ, ओपिंस रखते हैं हम बोल्ड और यहाँ पे बोल्ड आ चुका है, इसे रखते हैं रेगुलर। तो अब हम इसे थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे इसके, यहाँ पे हम रखते हैं 75 पॉइंट और इसे हम छोटा करते हैं, रखते हैं हम 40 पॉइंट, ये छोटा हो चुका है। और अब हम इसे कैरेक्टर में जाके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं टेक्स्ट के बीच में, ऐसे कुछ स्पेसिंग मैंने दे दी है। इसका कलर हम दे देंगे वाइट। तो अब मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ से, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर एक लाइन क्रिएट कर लिया मैंने वाइट में, इसका स्ट्रोक देते हैं हम वाइट और इसका स्ट्रोक वेट रखेंगे हम 2, तो ऐसे कुछ नजर आएगा आपको। इसे भी अलाइन कर लेते हैं आर्टबोर्ड से, ये भी अलाइन हो चुका है। अब मैं एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, स्क्वायर बॉक्स मैंने क्रिएट कर लिया है, इसका वेट स्ट्रोक वेट 2 रखा हुआ है और अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, इसका शॉर्टकट है ए, इसका शॉर्टकट है ए, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर लेता हूँ और अब इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, इसका और एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे और इसे हम 180 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं, उन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लेते हैं, इसे भी आर्टबोर्ड से अलाइन कर लेते हैं, ऐसे कुछ नजर आएगा आपको। इसका स्ट्रोक वेट रखेंगे हम 3
थोड़ा सा बड़ा दिखे और विजिबल हो। तो इस तरह से आप ट्विंकल टूल यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड इफेक्ट अच्छा लगे और इसे इसमें आपने कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस तरह के अलग अलग बैकग्राउंड सीख सके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और इमेजिन करके कुछ रियल में क्रिएट करके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।